भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार के विरोध में किया प्रदर्शन और लगाए निकाय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। भ्रष्टाचार की जांच और कार्यवाही न होने पर दी 10 दिन उपरांत उग्र आंदोलन की चेतावनी। नगर परिषद मऊगंज में 15 में से 9 पार्षद भाजपा के हैं, जो कि अपनी ही प्रदेश सरकार में आज प्रशासन को घेरने को विवश है। इसी क्रम में आज भाजपा उपाध्यक्ष मानवती साकेत की अगुवाई में भाजपा के सभी पार्षदों ने नगर परिषद मऊगंज का घेराव किया, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहे ब्रजेश सोनी, सुरेश प्रजापति, अली अहमद खान, शंकर लाल मिश्रा, राजेंद्र ताम्रकार, अनिल कुमार पटेल मौजूद रहे, जिन्होंने नगर परिषद मऊगंज में अध्यक्ष रहे ब्रिजवासी सीएमओ महेश पटेल और मुख्य लिपिक अवध लाल पटेल की जुगलबंदी में नियम कायदों के दरकिनार करते हुए भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही नगर परिषद मऊगंज में व्यापक पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की उल्लेखनीय है। भाजपा पार्षद ने नगर परिषद मऊगंज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है, बावजूद इसके आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया है कि निकाय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको छुपाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत सीएमओ के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में भाजपा पार्षदों ने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा पर उचित कार्यवाही की मांग करते हुए कार्यवाही न होने की स्थिति में 10 दिन उपरांत उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट प्रशासक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट प्रशासक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद में फर्जी भुगतानों को लेकर हम लोग जांच की कार्रवाई के लिए पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जांच हम लोगों ने भेजी है ऊपर के लिए भी, लेकिन वो अभी 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन जांचों में से मुख्य रूप से हैंडपम्प खनन की का भुगतान है, जो 2016-17 में हैंडपम्प खनन का भुगतान दिखा के करीब 17 लाख के लगभग भुगतान किया गया है नगर परिषद द्वारा, लेकिन आरटीआई के द्वारा हम लोगों के द्वारा जवाब मांगने पर कोई भी लिखित जवाब नहीं दिया जा रहा है, और ये टोटल फर्जी भुगतान है। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों से जांच करा के और पुरानी कोई फाइल जिसको एसडीएम साहब ने एसडीएम कार्यकाल के टाइम पर उसको इन्होंने अवैध कर दिया था कि फर्जी भुगतान है, उसको भी इन लोगों ने अपने कर्मचारियों से छोटे मोटे कर्मचारियों से जांच करा के उसमें लिखवा के कि ये हैंडपम्प खनन हुए हैं और उनका फर्जी भुगतान किए हुए हैं, और ये जनहित में बहुत ही हानिकारक है। वर्तमान में अभी ट्रैक्टर की खरीदी हुई है, उस ट्रैक्टर का भुगतान हम लोगों को तो लिखित जानकारी ये लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाहर बाहर से जानकारी मिली है उसका भुगतान करीब 7 लाख के लगभग किया गया, 7,69,000, और उसका बाजार रेट 5.5 लाख रुपए है। तो अब इसमें हम लोग आरटीआई लगाए हुए हैं तो इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल रही है। हम लोग कैश बुक का जानकारी मांगते हैं देखने को, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कहाँ कितना भुगतान किया जा रहा है इसकी जानकारी भी किन्हीं पार्षदों को नहीं दी जा रही, पूरी कैश बुक ये लोग छुपा के रखे हुए हैं। तीसरी चीज़ है स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी खरीदनी में इन लोगों ने बहुत बड़ा गोलमाल कर रखा हुआ है, लाखों की स्टेशनरी खरीदी जा रही है महीने में, लेकिन उसका भी हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। सिर्फ भुगतान के बारे में इधर उधर से पता चल जाता है कि इतना भुगतान हो रहा है। चौथी चीज़ है गिट्टी मोरम फिलिंग वाला, इसमें बिना निविदा बुलाए बिना कुछ किए इन लोगों ने कितने डंपर कितनी गाड़ियों को मिट्टी का फिलिंग किया है, कोई अनुबंध किसी से नहीं हुआ है, जिससे पा रहे हैं उसी से मिट्टी फिलिंग का काम करवा रहे हैं, कितने गाड़ी गिरा न पंचनामा करवा रहे हैं न कुछ आरटीआई के द्वारा जवाब मांगने पर, अभी तक 3 महीना पहले जवाब मांगा और आज तक किसी भी आरटीआई का जवाब हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, सूचना के अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है नगर परिषद में। चौथी थी तालाबों का आवंटन, मछली पालन के लिए जो तालाब से नगर परिषद को इनकम आती है वो सारे तालाबों ये देखिए बड़ा मुद्दा है। अब नगर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देखिए जो इस मुद्दे पे आप कहते हैं तो मैं कह दो शब्द बोलता हूँ कि देखिए डिवाइडर बना है ना, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहाँ मीडिया है, यहाँ के कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, तो उनके संरक्षण और देख रेख में बन रहा है,
अभी उसका भुगतान इतना ज़्यादा नहीं होगा, अभी 10-20% उन्होंने भुगतान किया होगा, तो अभी तो उसका 80% पड़ा हुआ है, तो उसकी जांच होगी, जो सही होगी, सच्चाई होगी, वो सामने आएगी, ऐसा कुछ नहीं। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यहाँ नगर निकाय में जो भ्रष्टाचार है, जनहित के कार्य नहीं हो रहे हैं, मनमानी एवं तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन माननीय विभागीय अधिकारी जी को देने जा रहे हैं और उसमें 10 दिवस का समय मांगे हुए हैं। इसके बाद अगर उस पर कार्यवाही नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। उपयंत्री ने भी कोई शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा मामला आया? जी हाँ, उपयंत्री का आरोप है कि यहाँ पर उनके कक्ष में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन लेखापाल और अध्यक्ष के और सीएमओ के कमरों में एसी लगी हुई है। जनहित के कार्य में जो राशि खर्च की जानी चाहिए वो एयर और वातानुकूलित कक्ष में की जा रही है, और इसके अलावा इनका आरोप है कि दूसरे प्रभार के अधिकारी दूसरे प्रभार का सत्यापन करते हैं, खरीद फरोख्त में फर्जी बिल भुगतान कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चुनाव जीत के हम लोग सबको जनता भेजी से तो 12 मुकाम से लेके 15 वार्ड को कोई काम नहीं हुआ, और जो जानकारी हम आते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है, बिजली खरीदारी होती है, वार्डों में कहाँ अंधेरा है, उजाला नहीं है, और जनता के जनहित में आदमी काम को मांगते हैं तो फर्जी हैंडपम्प खनन का मामला है। फर्जी हैंडपम्प खनन हुआ, लेकिन उसको जानकारी मांगते हैं तो कोई नहीं देते हैं जानकारी, जो मांगते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है। आपके अनुसार भ्रष्टाचार हुआ, पार्षदों के जानकारी में कोई काम नहीं होता। बाद में पत्रकार वार्ता करते अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? ये व्यवस्था वही हाल है, पुरानी कहावत है, सही अभय को दवाल तो डर का है। नौ पार्षद हैं, विपक्ष में बैठा है, कोई प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। मनमोहन जी जिस तरह से जैसा चाहें वैसा करें, जैसा चाहें वैसा ना करें, अपन लोगों से कोई मतलब ही नहीं, किसके पास जाएं? सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, कर्मचारी हमारे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। जरा सी शिकायत माने सूचना अधिकार के तहत कोई जानकारी मांगी जाती है तो केवल एक चारा है, मार्गदर्शन। काहे का मार्गदर्शन भैया? कोई प्रावधान है मार्गदर्शन का? ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सक्षम अधिकारी सीएमओ है, सीएमओ सब कर सकता है। पार्षद हैं आप लोग, आपको तो जानकारी मिल सकती है। मैं पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 9 2004 के हैं। वर्तमान में मेरी बहू हैं, 9 नंबर से ही हैं, बीजेपी से, फिर भी घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब अगला कदम क्या है? अगला कदम जो हम लोगों से बनेगा, लड़ाई लड़ेंगे, ज्ञापन देंगे, शिकायत करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, अनशन बैठेंगे। पूरी शिकायत गई है, प्रमुख सचिव को गई है, लोकायुक्त में गई है, UW में गई है, डिप्टी डायरेक्टर के पास गई है, कलेक्टर के पास गई है, रिमाइंडर भी गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़ा मसला है ऐसो आराम का, अपने कक्ष को साज सज्जा कराने का। साज सज्जा तो अपनी अपनी रुचि है, किस तरह से हम सज्जा कर लें, किस तरह से दोहन कर लें, किस तरह से व्यवस्था बना लें, कितना व्यवस्था बना लें, ये कम है।